गाइस 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 आज हमारे पास बोट की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुई इमोर्टल सीरीज का बोट इमोर्टल 200 हमारे पास आ गया है। इस वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखने वाले इसके साउंड क्वालिटी को, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है, सारी चीज़ें इसमें वीडियो में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके कंफर्ट लेवल को भी हम बताने वाले हैं। सो अगर आप गेमिंग के लिए एक हेडफोन देख रहे हैं तो क्या ये हेडफोन आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी होने वाले या नहीं, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइस अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी होने वाला है। सो वीडियो को पूरा देखिए सरप्राइज के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सो ऑलराइट गाइस, बोट कंपनी की तरफ से आने वाला ब्रांड न्यू बोट इमोर्टल सीरीज का इमोर्टल IM200 हमारे पास आ गया है। जैसे आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा ये बॉक्स मिलने वाला है। हमने इसको रेड कलर में मंगाया, RGB लाइट मिल जाती है, 7.1 सराउंड साउंड के साथ आता है। बाकी पीछे की तरफ आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जिसको अगर आप पढ़ना चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ ही सकते हो। बाकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, करीब ला के दिखा देता हूँ, 4,990 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 1,500 के आसपास अमेजन पर मिल जाते हैं। सो गाइस चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है। सो बॉक्स काफ़ी बड़ा इसका दिया हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे हेडफोन रखे हुए हैं, निकाल लेते हैं फाइनली हेडफोन बाहर आ गए हैं। बॉक्स में आपको ये इमोर्टल सीरीज का एक कार्ड मिल जाता है, जिसमें आपको ये सब कुछ दिया होगा कैसे इसको आपको ऑपरेट करना है। एक साल के वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसकी वारंटी वगैरह को आप रजिस्टर कर सकते हो इसकी वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे आपको ये हेडफोन रखे हुए हैं, एक बार मैं इनको निकाल लेता हूँ। सो ऑलराइट गाइस मैंने इसको निकाल लिया है। सो आपको ये कुछ ऐसे हेडफोन मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये USB टाइप का हेडफोन है, सो आपको USB टाइप ए मिल जाता है और इसी को आपको कनेक्ट करके इसको यूज करना है, क्योंकि ये गेमिंग हेडफोन है। सो गाइस चलिए इनको सेटअप कर लेते और देख लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को। सो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग से आपने इसका ऑडियो तो देख लिया, चलिए मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता और देख लेते इसकी साउंड क्वालिटी को। ओके, काफी कंफर्टेबली फिट हो गया। सो गाइस अगर इनकी साउंड क्वालिटी की बात करो, साउंड क्वालिटी इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग मिल जाती है। अगर बेस की बात करो तो बेस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। वॉइस क्लैरिटी की बात करो तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे से आवाज़ भी सुन जाती है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा दी हुई है और आपको एक वॉल्यूम रॉकर भी मिल जाता है, जिससे आप अपने हेडफोन से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। सो साउंड क्वालिटी के मामले में ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो जैसे आप देख ही सकते हैं आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर जो एडजस्ट करने वाला है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, जैसे आप अपने हेड पे इसको लगाते हैं तो अपने आपके साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वही अगर कुशनिंग की बात करूं तो कुशनिंग भी काफी ज्यादा दी हुई है। सो अगर आप इसको घंटों तक लगा के गेमिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी ओवरऑल बिल्ड डिजाइन की बात करूं तो ओवरऑल बिल्ड डिजाइन काफी अच्छा मिल जाता है, ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। वही आप देख ही सकते हैं इसमें आपको RGB लाइट भी मिल जाती है, सो काफी अच्छा लुक देती है गेमिंग के टाइम पे। और आपको एक माइक मिल जाता है। सो माइक, ये माइक डिटैचेबल नहीं है, इसका जो दूसरा वाला वेरिएंट है 1000 उसमें आपको डिटैचेबल माइक मिल जाता है, इसमें आपको ये माइक हटा नहीं सकते हैं, लेकिन काफी अच्छा लुक देता है। वही अगर ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन की बात करो तो यहां पे आपको काफी अच्छी ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन मिल जाती है। और अगर कंफर्ट लेवल की बात करें तो कंफर्ट लेवल में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो अगर आप इसको लगा के 3-4 घंटे गेमिंग भी कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको इसमें नहीं होने वाली है। और आपके ईयर्स को काफ़ी अच्छे से कवर भी कर लेता है, जैसे आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े ईयर कप्स है, सो काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है अगर आप इससे घंटों तक गेमिंग करते हैं तो। सो गाइस अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो मुझे सबसे बड़ा कौन जो इसमें लगा वही है कि इसमें या तो ब्लूटूथ होना चाहिए था या फिर इसमें आपको ऑक्स केबल का सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिससे हम अपने स्मार्टफोन के साथ इसको यूज़ कर सकें। लेकिन अभी का हाल ये है कि अभी आप इसको अपने स्मार्टफोन में यूज़ नहीं कर सकते, ये गेमिंग स्मार्टफोन है, सिर्फ आप इसको अपने PC में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में USB टाइप ए का पोर्ट आता है। सो डायरेक्टली आप इसको USB में कनेक्ट करके ही यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए थी, जैसे इसका बड़े वाला वेरियंट में आपको डिटेचेबल माइक आता है, सो इसमें भी आपको डिटेचेबल माइक मिलना चाहिए था। सो अगर आप इस माइक को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप इन हेडफोन्स को लगा रहे हैं, तो आप माइक को हटा के
आसानी से उसको यूज कर सकते थे, लेकिन ये वाला फीचर इसमें नहीं मिलता है। बाकी इसमें आपको RGB लाइट भी मिल जाती है, बट इस RGB लाइट को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर ये कस्टमाइजेबल होती तो काफी अच्छा होता है। अगर बाकी और चीजों की बात करें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, साउंड क्वालिटी के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, या फिर कंफर्ट लेवल के मामले में। सो गाइस, अगर आगे बढ़ते हैं इसके कुछ और डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपको 50mm के ड्राइवर मिल जाते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा आउटपुट मिल जाता है। और इसमें आपको 7.1 चैनल सराउंड साउंड मिल जाता है, वाया डॉल्बी एटमोस और वाया इनका एक प्लगइन भी आता है बोट लेवल्स, उसके थ्रू आपको 7.1 चैनल सराउंड साउंड मिल जाता है। और अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी बेहतरीन उससे आपको मिल जाते हैं, और आपका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा एनहेंस हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनके प्लगइन को डाउनलोड कर लीजिए। बोट लेवल्स आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसका प्लगइन आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोनों ही हेडफोन्स के लिए आपको प्लगइन मिल जाएगा, बोट इमोर्टल IM 1000D और 200 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने प्लगइन बनाया, तो आप इसके लिए प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो गाइस चलिए सरप्राइज की बात कर लेते हैं। तो आप में से किसी एक लकी विनर को मिलने वाला है बोट की तरफ से यही वाला हेडफोन। सो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताइए कि आपको इस वाले हेडफोन का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। सो जैसे ही इस वीडियो पे 200 लाइक्स हो जाएंगे, हम गिवअवे के रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे। सो जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आप में से ही किसी एक लकी विनर को ये वाले हेडफोन्स मिल जाएं। तो भाई चलिए प्राइसिंग और कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 1500 रुपये के आसपास अमेजन पर मिल जाते हैं। सो 1500 रुपये के आसपास ये बहुत ही अच्छे गेमिंग हेडफोन बन जाते हैं। अगर आप अपने PC से गेमिंग करते हैं और अपने हेडफोन को स्मार्टफोन में यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिल जाती है, कम्फर्ट लेवल काफ़ी अच्छा दिया, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो काफ़ी दिनों तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले, और बोट की आपको आफ्टर सेल सर्विस तो पता ही है काफ़ी अच्छी मिली जाती है। अगर इसके माइक क्वालिटी की बात करें तो माइक की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाती है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। गेमिंग के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। मैं एक छोटा सा सैंपल डाल दूंगा जिससे आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी का पता चल जाएगा। बाकी बिल्ड एंड डिज़ाइन के मामले में, म्यूज़िक क्वालिटी के मामले में, कम्फर्ट लेवल के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। बस सबसे बड़ा कौन हमें यह लगा कि इसमें या तो ब्लूटूथ होना चाहिए था या फिर इसमें आपको ऑक्स केबल का सपोर्ट भी मिलना चाहिए था, जिससे हम इसको अपने स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते थे। सो गाइस, जो अभी आप ऑडियो सैंपल सुन ले, मैं डायरेक्टली अपने हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा कि इससे आपको कैसी साउंड क्वालिटी मिलने वाली है गेमिंग के टाइम पे। सो ये एक ऑडियो सैंपल आपको छोटा सा मैंने अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, वहां से जाके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।